हेलो बेटा, माय नेम इज मोनिका, आई एम हिंदी टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी ग्रामर बुक, आपकी ग्रामर बुक, दिस इज योर ग्रामर बुक। तो फर्स्ट टॉपिक है भाषा। और की क्लास सिक्स भाषा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि जो हिंदी भाषा जो है उसको मान्यता हमारे देश में कब मिली थी। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। भाषा, भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक तरीका होता है। जैसे कि देखिए, अब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो मेरा माध्यम क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो यानी कि भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का तरीका होता है, इसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा, भाषा की कितनी प्रकार होती है, तो भाषा की तीन प्रकार होती है। ठीक है, तो पहले होता है आपका मौखिक भाषा। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा बची, मौखिक भाषा। सेकंड होता है आपका लिखित भाषा। और थर्ड होता है आपका सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा बची, भाषा। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। जब हम बोलकर अपने विचारों को किसी भी समक्ष प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर, अब इस समय मेरा माध्यम क्या है, बोलना। जब हम बोलकर किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। इसका उदाहरण है जैसे कि रमा गीत गा रही है, रमा गीत गा रही है। तो रमा कैसे गीत गा रही है बच्चे, बोलकर ही गीत गा रही है ना, है ना, मुख से ही गा रही है ना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जब हमारे विचार को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वो लिखना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। ठीक है, जैसे कि देखो रमा पुस्तक लिख रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है बच्चे, लिख रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने सांकेतिक भाषा। जब हम इशारों से जैसे मैंने आपको बोला, जैसे कि आप किसी बच्चे को बोलते हैं, मतलब मैं आपके सामने क्या इशारा कर रही हूँ, बेटा इधर आओ। ठीक है, तो वो आपके सामने क्या हो जाती है, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को संकेतों की सहायता से समझाते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, मतलब तुम इधर आओ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए उदाहरण है, मोहन हाथ हिलाकर बता रहा है कि मैंने यह कार्य किया है। ओके बेटा, तो आपको मैंने बता दिया भाषा के बारे में, ये टॉपिक आपको कल तक से लर्न करके लाना है। ओके बच्चे, ओके बेटा, बाय बाय।